मन के समरिया बन गईलू तू, अचुपके से ही का कहलू तू, नस नस में तू गईलू समाए, नस नस में तू गईलू समाए। प्यारा बतासा चाचा और अजय भारत में रउआ लोगन का स्वागत बा। आई आज अजय भारत के स्टूडियो में और देखिए कि कैसे हमार संवाददाता लोग सबके बारे में पता लगावे लें, का का खबर हो, क्रिकेट का खबर हो, राजनीति का खबर हो, कहाँ बाढ़ आयल हो, कहाँ सूखा आयल हो, कहाँ एक्सीडेंट भयल हो। तो सबसे पहले आवाज भैया के लगे। नमस्कार। नमस्कार। रउआ का देखे नी? हम स्पोर्ट्स बीट देखे नी। वेरी गुड। तो आज मैच भयल है ना? हाँ। कहाँ कहाँ से? आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में लास्ट टेस्ट में लास्ट वनडे मैच भयल। तो कंगारुअन में और हिंदुस्तानियों ने मैच भयल है बाबू? बहुत बढ़िया मैच। कौन जीता? इंडिया जीता, 7 विकेट से जीत गया। इंडिया जीता, हाथ मिलाइए। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कौन जीता? इंडिया जीता, 7 विकेट से जीत गया। इंडिया जीता, हाथ मिलाइए। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। क्या नाम आपका? अरे बाप भैया, हमारा नाम बता सको? हम रिपोर्टर हैं जगत। तो तरी हम कहीं बताए कि अच्छा आप का देखें बीजेपी बीजेपी मोदी है भाई, फिर आई है कि ना? अब जनता बताए। तो तू का बताएगा? हम तो बस अगर संवाद के बस तो लोगों के बीच में बस नहीं, कुछ तो फीडबैक पता लगेगा तो ही पीछे की जनता का क्या रुझान हो। जो पहले रुझान था वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होते जा रहा है, ये मतलब पब्लिक का अगर उसको देखें तो। ओके। लेकिन अगर पब्लिक से ही फीडबैक लेने के बाद जो हम लोग मालूम ऐसे चल रहा है, जो सरकार तो बनेगी लेकिन थोड़ी कसम कसम की केंद्र भैया अगर बन गए तो जीएसटी फिर लागू हो जाए। नमस्कार। जगह देना कहाँ बतावा? जय शुक्ला। हे लबरू, आ भैया इन्हें आओ। ये जय शुक्ला जी, हाँ ये पूछा कि इंटरकॉम डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट क्या है? मीडिया डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर बीट पूछेगा तो पॉलिटिक्स क्राइम सब अच्छा तक आप नहीं देखते? अरे तो देखी ले भैया, देखी ले, एंटरटेनमेंट भी देखी ले, भोजपुरी का सारा खबर जान लीजिए। क्राइम का ग्राफ कितना लेवल पे बात है भैया? क्राइम का तो पूछी मत, बिहार में थोड़ा सा ग्राफ बढ़ले बाटे, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है क्राइम। अभी तो सुनने की घट गई ना ही, उस बयानबाजी तो चलते रहला ना, खराब आवे वाला बा, अच्छा सब बयानबाजी तो देबे करी, लेकिन क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ल बा। दिन में करीब करीब हम खुदे अपने हाथ से 10 खबर लगाई ला क्राइम के। अच्छा। और वो भी मौत के खबर रहे ला। बहुत बुरी खबर है। हाँ। गानो गावेले। अच्छा सुनो, हम सुनने की गानो गावेले। हाँ गान लिख ला। देख पकड़ हो जाओ। रौदे फिल्म के बड़ा स्वच्छ गाना रहे, ठेकवन पुरवैया में एगो बहिन के ऊपर गाना बनल रहे। भैया उठाई बहिनिया के डोली बन के कहरिया हो, सहनाई के धुन सजी सा तो सुर में हमरी दुवरिया हो। भैया उठाई बहिनिया के डोली बन के कहरिया हो। और तो गाना सुना दी? हां हां सुनाए सुनाए। मन के समरिया बन गईलू तू, अचुपके से ही का कहलू तू, नस नस में तू गईलू समाए, नस नस में तू गईलू समाए, डाल देलू परेशानी में गजब के रोग धराती है लू ए रानी हमके जवानी में। अब आगे बढ़ जाओ। पहले कह देता नहीं अपने सवाल से पहले वो गाना बंद कर रहा ये कौन सर था? हर सर था तभी जवाब दे, तहार आवाज सुननी लग लगा लगी का कहीं हो तो ठीक भाई गाना सुना देते। आई बुरतिया में जन तू भुलैया धानिया, बस दलनिए में खटिया बिछैया धानिया, बस दलनिए में हो। का बात है भैया, का बात है।
अभी बताबा कि रवा का देखे नहीं? हम YouTube देखे नहीं, YouTube पे जितना ये खबर देख देखते बड़ा अच्छा ये सब खबर है, ये सब हम देखे नहीं, बनावल अपलोड कइल। अच्छा एक ही YouTube पर लोड करब ओकर कितना व्यूअर भइल, व्यूअर भइल, व्यूअर बढ़ावल, सब्सक्राइबर बढ़ावल, ये कुल हम देखे नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू भैया। अच्छा जी, अभी तो रवा पास में लगल रहा बतासा के अलावा कोनो खबर नहीं के ना? ना अभी तो नहीं है, मतलब अभी आठ दिन तक, अगला आठ दिन तक दूसरी खबर ना रखिए। एकदम एकदम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब बताइए, आपके पास तीन ऑप्शन है। सॉरी हट जाना। एक मैं यानी के गोस्वामी, एक सलमान खान और एक राहुल गांधी, जी तीनों में से किसको बॉयफ्रेंड बनाएंगे? वेल मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हूँ तो उन्हें ही बनाऊंगी। हो गई तार, ठोस ठोस चला, तार हो गई। यही चक्कर में रहना भैया कि इनका दाल गल जाए, इनके पता ना बिहार का लड़की हो। कोई बात नहीं किया। ये पूछ ला, ये क्या करेगी? रवा एंटरटेनमेंट देखी ले? नहीं नहीं, मैं यहाँ पे न्यूज एंकर हूँ और जितने भी न्यूज आते हैं उसे कम्प्लीटली एंकरिंग करके और एक पैकेज बनाकर दिखाती हूँ। थैंक यू, चलिए हो गया, थैंक यू। मिश्रा जी बारी ने तो मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार, अब आप बताइए जी, पूछिए वह सेम सवाल। सेम, मैं आप ही को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद है और मुझे आपकी बातें। एम्बुलेंस मंगाओ भाऊ, एम्बुलेंस मंगाओ, इस आदमी का हार्ट अटैक होने वाला है। थैंक यू, आपने मुझे खुश किया। जो भी सच्चाई हो मैं जानता हूँ। नहीं, आप मुझे बहुत पसंद है और मैं आपको बहुत छोटे से ही देख रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी छोटे से ही एक्टिंग कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटे से। मतलब आपकी मुराद पूरी हो गई। प्रोग्राम एंटरटेन का, अच्छा एंटरटेन मतलब सिनेमा से रिलेटेड सारी चीज़? नहीं, सिनेमा से रिलेटेड नहीं, जैसे जो भी सॉफ्ट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे न्यूज में भी अगर आप न्यूज चैनल में है तो दो सेगमेंट होता है, एक तो न्यूज़ होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसमें एक हार्ड स्टोरीज होती है, एक सॉफ्ट स्टोरीज होती हैं। तो मैं सॉफ्ट स्टोरीज देखती हूँ, औरतों के बीच में जाके गॉसिप वाले प्रोग्राम करना, स्कूल्स में प्रोग्राम करना, कॉलेजेस में प्रोग्राम करना, सॉफ्ट स्टोरीज पे मेरी कमांड अच्छी है तो मैं इस टाइप के प्रोग्राम्स करना बेहद पसंद करती हूँ। ओके, तो अभी लेटेस्ट आपने कौन सा किया? अभी तो रिसेंटली मैंने, जैसे अभी हम पब्लिक रिएक्शंस भी लेते हैं, अभी फिलहाल हम वेब पे हैं तो पब्लिक रिएक्शन में मैंने अभी खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के ऊपर, मैंने खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और निरहुआ तीनों में से कौन बेस्ट हैं इस पे मैंने एक प्रोग्राम किया है अभी रिसेंटली में, जो यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं और हमारे दर्शक भी देख सकते हैं। और फिलहाल अभी हमने गॉसिप वाला प्रोग्राम भी किया है, तो इस तरह के प्रोग्राम्स करना मुझे बेहद ही पसंद है और बहुत अच्छा लगता है। एक टॉपिक मैं आपको और देता हूँ उस पर करिए। हाँ बोलिए। मेरा नाम मनोज टाइगर है, मुझे लोग बतासा चाचा कहते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आज तक कोई स्टार कॉमेडियन हो या कॉमेडियन हो, उसको किसी भी ऑडियंस ने विलन के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। मैं पहला ऐसा एग्जांपल हूँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जिसे 150 फिल्मों में एज ए मेन कॉमेडियन देखने के बाद अब एज ए मेन विलन लोग देख रहे हैं, और 50 फिल्मों के ऊपर हो गया और लोगों ने मुझे विलन एक्सेप्ट किया। इसके बारे में मैं चाहूँगा जरूर लिखिएगा। थैंक यू, जरूर। हेलो, हेलो, आप अपना नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम खुशबू है। आप कौन से सेगमेंट देखती हैं? मैं एसआईएम देखती हूं, एचआर डिपार्टमेंट देखती हूं, सोशल मीडिया भी देखती हूं। और अकाउंट ऐसे वैसे आप ही देती हैं सबको? आज का पेमेंट ले लिया। अच्छा, मतलब सारे लोगों का पेमेंट आप ही करती हैं? नहीं, पेमेंट सर करते हैं, प्रोसेस जो होता है प्रोसेस। सुधाकर सिंह बाबा का। अच्छा सुधाकर भैया, आपका कर ली? हम खबर लिखे नहीं, जैसे कोनो ब्रेकिंग खबर आ गई चाहे खबर मोबाइल से सूचना, मतलब फोन करके सूचित कर देते हैं रिपोर्टर्स, या व्हाट्सएप पे भेजते हैं, या किसी दूसरे माध्यम से भेजते हैं, ईमेल के माध्यम से भेजते हैं, तो जिस जो भी माध्यम से भेजेंगे उस माध्यम को हम वहाँ से देखते हैं, उसके बाद खबर बना के उसको पोस्ट करते हैं। तो लागल रहा बतासा का भी लिख दे भैया, बड़ी अच्छी फिल्म बनल हो। बतासा की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लागल रहा बतासा एक वैसे फिल्म बनल हो जो उनके परिवार के साथ आप देख सके। हाँ हाँ, कौन अश्लीलता नहीं? बिल्कुल देखे, हमू देखे, खबरों बनाए। हाँ, घर खबरों बनाए, खूब पब्लिश करे, सोशल मीडिया पे वायरल करे। थैंक यू, थैंक यू। अजय भारत, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार।
आपको तो लग रहा है कि दाढ़ी वाड़ी रख कर देख के किसी फिल्म में रोल देना पड़ेगा। कोशिश कीजिए आपको तो हम लोग इस हम खासकर पिछले 2-3 साल से देखना शुरू किए हैं भोजपुरी खास करके, और बचपन से सबसे ज्यादा गबरू जी को देख रहे हैं। क्या बात है, विकराल गबराल जब सीरियल आया था हम लोग एक तरह से नशा हो गया था हम लोग को विकराल गबराल देखने के लिए। और के गोस्वामी जी हमारे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, आप बहुत कुछ मैसेज करने के बाद इन्होंने हमारा फेसबुक कैसे एक्सेप्ट किया था, तो हमारे लिए खुशी की पल है कि आप और दोनों इतने बड़े कॉमेडियन और इतने बड़े एक्टर, कॉमेडियन नहीं बहुत बड़ा आप लोगों में गुण है, और खास करके जब पता चला आपके बारे में तो पता था कि आप बिहार से हैं। बिहार हमको लगता है धरती पर सबसे ज्यादा प्यार हमको बिहार से, स्वाभाविक अपना लिया है, और हमको 90% लोग जानते हैं कि हम बिहार से हैं। यही हम भी वही जानते हैं ना, इसलिए बताया आपको ना। हाँ तो हम बिहार में पटना में घर भी लेना चाह रहे हैं। आइए, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो हमारा सिनेमा का तनी प्रमोट करना है, स्वाभाविक हम लोग यूट्यूब ही देखते हैं और आप लोग को सर्च करते रहते हैं, खूब वायरल करेंगे। सर मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ जी। सर पहला ऑप्शन पूछा था जी सर, तो पहला ऑप्शन कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट, किसको बनाना चाहेंगे अपनी गर्लफ्रेंड जी? देखिए मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक वाइफ है घर पे, तो मेरी गर्लफ्रेंड। ये आदमी बहुत बड़ा झूठा है, ये आदमी कुछ नहीं बोल सकते, बाय गॉड कुछ नहीं बोल सकते। देखिए इस आदमी की वाइफ तो है लेकिन हर 3 महीने पे एक गर्लफ्रेंड चेंज करता है यार, एवरी 3 मंथ। मेरा सवाल ये है कि आपने इतनी भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, मैं आपको 3 एक्ट्रेस के नाम बताऊंगी और आपको बताना है कि आपकी फेवरेट कौन है और क्यों है। पहला नाम है आमरू राजू, दूसरा नाम है काजल और तीसरा नाम है अक्षरा। तो अगर इन 3 नाम को लेंगी तो मुझे तो आम्रपाली बहुत पसंद है। सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो खूबसूरत बहुत है, दूसरा बाकी दोनों एक्ट्रेस खूबसूरत नहीं है मेरी नज़र में, वो भी खूबसूरत हैं पर मैं जो किसी एक को पसंद करूँगा ना। अच्छा तो और दूसरी बात ये है जी कि उनकी एक्टिंग में जो एक नेचुरल पकड़ है मुझे लगता है उन लोगों में है, लेकिन इस मामले में उनके अभिनय में जो नेचुरल का एक फुट है वो शायद किसी में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हम मनोज सिंह टाइगर और आप लोगों के प्यार आप बतासा चाचा, आप लोगों के प्यार से मनोज टाइगर बतासा चाचा बनल। आज अजय भारत के चैनल में आयल बानी, यहाँ पूरा स्टाफ संवाददाता और मैनेजमेंट सबसे मिलके बहुत खुशी भइल इस चैनल के हिट करा लोगन, इस चैनल नंबर 1 चैनल बने के चाहिए। तो एक बात जोर से बोला, अजय भारत, अजय भारत। YouTube चैनल की दुनिया में सबसे तेजी से उभरता नाम अजय भारत। देश दुनिया की हर खबर की अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।